दोस्तों पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं और इसका मुख्य वजह है कि इसमें कम समय में आप अच्छी जॉब पा सकते हैं क्योंकि इसका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, इंटरनेशनल यानी कि विदेश में भी जाके जॉब कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं और इससे रिलेटेड आप सभी जानकारी चाहते हैं कि कोर्स क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, कितने समय में कर सकते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और सैलरी कितनी मिलती है, जॉब कहाँ पे मिलेगा, तो कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा क्योंकि पॉलिटेक्निक आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। बीटेक की अपेक्षा पॉलिटेक्निक का डिमांड ज़्यादा है क्योंकि बीटेक में आपको 4 साल लगते हैं और फीस ज़्यादा लगती है। तो शुरू से सारी चीज़ें समझते हैं, आप अलग अलग सेक्टर में जा सकते हैं, इंजीनियर्स बनेंगे और आपको हर एक टॉपिक को कवर कराया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसमें हमने आपको मेनली 10 पॉइंट्स को कवर किया है जो ज़्यादातर आपका सवाल हो सकता है, जैसे पॉलिटेक्निक क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कोर्स कितने साल का होता है, एडमिशंस कैसे इसमें लेते हैं, फीस कितनी लगती है और कौन कौन से इसमें ब्रांचेस है यानी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस क्या है, पॉलिटेक्निक के बाद क्या करेंगे, सैलरी कितनी मिलती है और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको एक स्टूडेंट हैं तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से जानना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की तैयारी करते भी हैं बट उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया हुआ है और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक की तैयारी ऑलरेडी कराई जाती है। हमारे यहाँ से हर साल 20,000 के करीब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में, जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई करते हैं। तो बहुत ही प्रॉपरली आपको चीज़ें परफेक्ट बताया जाएगा, एररलेस। यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, तो पॉलिटेक्निक कह लीजिए एक डिप्लोमा कोर्सेस है इंजीनियरिंग का। जैसे आपने जेई मेंस का नाम सुना होगा, जिसके जेई मेंस का मतलब बीटेक, बीटेक का मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग में आप अलग अलग ब्रांचेस में कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पॉलिटेक्निक करेंगे और पॉलिटेक्निक का मतलब होता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान करना, यानी कि जिस चीज़ों की इस समय डिमांड है जिसके थ्रू आपको अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो वो जो लेवल होता है उसका नाम दिया गया है ग्रेजुएशन, राइट। उसी तरीके से एक लेवल है डिप्लोमा, डिप्लोमा के अंतर्गत पॉलिटेक्निक के थ्रू आप एडमिशन लेंगे तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करेंगे। क्या आप डिप्लोमा करेंगे किस फील्ड में, इंजीनियरिंग में। तो अगर इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक करेंगे। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो क्वालिफिकेशन इसकी है क्लास 10th या फिर 12th, आप 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है। 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। आप 12वीं पास हो, इंटर के बाद कुछ भी किए हो, बीए बीएससी किए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, है ना, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी बात है कि कोर्स कितने साल का होता है, तो पॉलिटेक्निक का कोर्स जो मेन होता है वो 3 साल का होता है, क्लियर है। 3 साल आपको अलग अलग कॉलेजेस में जहाँ पे आपका पसंद है आप वहाँ से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, इसके लिए आपको 3 साल का समय लगेगा। अच्छा, अब एडमिशन कैसे होती है, तो एडमिशन्स के लिए आपको बता दें, इसका आप एडमिशन्स सरकारी कॉलेज में, अर्ध सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, यानी कि 3 तरीके के इंडिया में कॉलेजेस होते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, बिना एंट्रेंस एग्जाम पास किए आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है और इसकी फीस कम होने का मुख्य रीज़न है कि सभी स्टूडेंट इसके लिए लाइन में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए ताकि आपके पेरेंट्स पे फीस का ज़्यादा लोड ना हो, आप आसानी से क्रैक करके एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सरकारी में, और प्राइवेट में तो आप अपने पसंद के नज़दीकी कॉलेज कोई भी जो बढ़िया हो वहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। फीस कितनी होती है, तो पॉलिटेक्निक की फीस मैं बता दूँ गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग 10,000 होती है, और वहीं प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 30 से लेकर आपको 50,000 के बीच में फीस है। सबको पता है अलग अलग कॉलेज की अलग अलग होती है, बट मिनिमम पॉलिटेक्निक का क्या है, सरकारी कॉलेज में है तो 1 साल का 10,000 होता है, और ये भी फीस आपकी रिटर्न आ जाती है इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप के माध्यम से, ठीक है। अगर आपके स्टेट में स्कॉलरशिप की सुविधा है तो आपको 13 से 14 हज़ार वापस आ जाएगी, यानी कि 0 फीस में आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी मेहनत से तैयारी करें ताकि आपका आने वाले समय में पैसा भी बचे और आपका वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है।
ओके okay. और इसकी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप आज से ही लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप अभी सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो वो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है और बेहतरीन तैयारी की है। ठीक है, अब बात है सर, ठीक है हम एडमिशन ले लेंगे, कौन कौन सी कोर्सेज होते हैं? तो पॉलिटेक्निक एक कोर्स नहीं है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अलग अलग ब्रांच जिसको बोलते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। आपको अपने जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसी में लेंगे। अब किसी का इंटरेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से है तो वो कंप्यूटर में डिप्लोमा करेगा। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप अपने पसंद का किसी एक ब्रांच से कर सकते हैं। फायदा ये है पॉलिटेक्निक करने का कि अगर आप फ्यूचर में बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में आपका डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में हो जाएगा, यानी एक साल की आपकी छूट होती है। ठीक है, अब बात करें कि सर एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो क्लास टेंथ आप पास हुए होंगे, यानी कि टेंथ लेवल का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि क्लास 9 10th आपका अच्छे से क्लियर है तो बहुत आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। बहुत आसान पेपर आता है और इस चीज को आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जरूरत है कि सर पहले प्रीवियस ईयर का पेपर हम देखेंगे कैसे पेपर आते हैं, फिर उसके अनुसार आप अपने क्वेश्चंस का लेवल देख लेंगे कि 10th लेवल का है, ऐसा तो नहीं कि इंटर का सवाल आ रहा है ना, क्योंकि पीजे को क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे तो आसानी से क्रैक कर पाएंगे, 10th लेवल का हो जाएगा। और इसके लिए एक साइड बुक कुछ भी आप ले सकते हैं मार्केट से, बोल देंगे कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है पॉलिटेक्निक की, कोई बुक है तो अवेलेबल कराइए, आपको दो तीन बुक जो देगा उसमें से एक आप ले लीजिए। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, जैसे हमने बताया पॉलिटेक्निक के बाद आप अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, इंजीनियर और बनना चाहते हैं, तो बीटेक में जा सकते हैं, पहला ऑप्शन, एक साल की छूट मिल जाएगी, प्लस पॉइंट है आपका। और यहीं से अगर आप चाहें तो अलग अलग सेक्टर में, यानी कि तुरंत जॉब पा सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग में आप प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं कैंपस थ्रू, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में आपका कैंपस सेलेक्शंस के थ्रू भी जॉब मिल जाती है, जब जॉब मिलती है कैंपस में तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप जाके वापस से उसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं जहां पे आपका सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए आपको इंटरव्यू वगैरह देना होता है जो कि थर्ड ईयर में ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ कॉलेज में होते हैं और कुछ कुछ कॉलेज में नहीं भी होते हैं, तो जिस कॉलेज में होता है आप वहां पे जाकर दे सकते हैं, इसके बारे में आपके कॉलेज में ही नोटिस लग जाती है कि इस डेट में इस कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, आप जाके दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके कॉलेज में भी आए तो वो अलग चीज़ें, आपका प्लस पॉइंट है। पॉलिटेक्निक के बाद जॉब करेंगे, और आपका सवाल होगा कि सर सैलरी कितनी होगी, यानी कि कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको, तो अगर आपका कैंपस सेलेक्शन से हुआ है, स्टार्टिंग सैलरी मैं बता दूँ इसमें आपको 10 से 20 हज़ार, कितना 10 से 20 हज़ार ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ये बेसिक्स मैं लेके चलता हूँ, इसी के रेंज में मिलता है। ठीक है, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बहुत ज़्यादा तुरंत एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, किसी भी कंपनी में 2 साल 4 साल जब तक आप नहीं देंगे, लॉयल नहीं होंगे, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको स्टार्टिंग कम मिलता है। हाँ, बट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसमें आप सैलरी कमा सकते हैं, 50 हज़ार से ऊपर भी आप कमाएंगे। ठीक है, अगर वहीं पे मैं सरकारी की बात करूं तो सरकारी डिपार्टमेंट में, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जॉब करना चाहता है, पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल से किया है तो नॉर्मली वो जेई बनेगा, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, तो स्टार्टिंग सैलरी अगर गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो 50 हज़ार है, कितना 50 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, और आप आगे अलग अलग प्रमोशंस के थ्रू वहाँ पर ले सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। आप 10 साल नौकरी कर लेंगे तो हो सकता है आपका 70 हज़ार सैलरी हो, यहाँ पे 10 हज़ार अगर जॉब कर लिए तो आपकी सैलरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके क्वालिटी के ऊपर है कि आप कितने तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए सबसे बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर से नोट्स बनाते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने के बाद आज से ही पढ़ना चालू कर देंगे, देरी करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये भीड़ है, एंट्रेंस एग्जाम की भीड़ होती है, इसमें एक दूसरे स्टूडेंट को पीछे करके ही आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं, नहीं तो फिर प्राइवेट में आप फीस ज़्यादा दीजिए। अगर आप फीस कम देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और आपको पता है कि आपके
स्टडी, सेल्फ स्टडी ही आपके लिए बेस्ट है और आप घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं, बस किसी टीचर्स के गाइडेंस में रहेंगे ताकि आपको प्रॉपर स्टडी हो पाए, डेली हो पाए और डायरेक्शन स्टडी हो पाए। ये नहीं कि पता चला पढ़ रहे हैं वैसी चीज़ें जो आता ही नहीं है, पिछले 10 साल से उसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। इसलिए गाइडेंस में रहेंगे, किसी टीचर्स के साथ ज्वाइन रहेंगे तो आप प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग के यहाँ से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो रेशवा एकेडमी के नाम से हमारा मोबाइल ऐप है ना, रेशवा एकेडमी के नाम से मोबाइल ऐप है। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर रेशवा एकेडमी ही क्यों बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे डेडिकेटेड क्लासेस दी जाती हैं, प्रॉपरली पॉलिटेक्निक के ही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का नंबर एक चैनल है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने के साथ ही साथ सबसे कम फीस में, यानी कि नाम मात्र की फीस आपके लगेगी और पूरे एग्जाम तक सभी सिलेबस पे, जिसके केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स के पढ़ाने का पैटर्न ये होता है कि हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ाई जाती है, अगले वीडियो में उसके क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर उसके पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही पिछले 10 साल के पेपर आपको जैसे ज्वाइन करेंगे तुरंत मिल जाएगा सॉल्यूशंस के साथ, और आपको डेली लाइव क्लासेस सुबह 7 बजे, दिन में 11 बजे, शाम को 7 बजे क्लासेस में मिलेंगी। उसके अलावा आपको हर संडे को पूरा रिवीजन कराया जाता है, जिसका संडे प्राइज टेस्ट होता है, हम 101 रुपये का आपको प्राइज टेस्ट देते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड न्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई भी आपको कहीं पे भी किसी कोचिंग में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएगा, सिर्फ और सिर्फ रेशवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको ये सब कुछ मिलता है, यानी कि 10,000 से अधिक क्वेश्चंस आपको तैयार करवा के भेजे जाएंगे और एग्जाम में आपका रिविजन, प्रैक्टिस और क्रैश कोर्सेज आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, जो कि लेटेस्ट फीचर है, सिर्फ और सिर्फ रेशवा एकेडमी के ऐप पे ही मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रॉपरली आप गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, और प्लस पॉइंट में बता दूं, अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको प्राइवेट ग्रुप अलॉट होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इंडिया के हजारों स्टूडेंट के साथ लाइव जुड़ पाएंगे, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, फुल टू फुल स्टडी का माहौल अगर आपको चाहिए तो। इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 299 में, क्योंकि जो 799 का कोर्स है अभी हम 2 दिनों तक इसको ऑफ दिए हुए हैं और ये 299 रुपये में पूरे 1 ईयर वैलिडिटी के साथ हो जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है रेशवा एकेडमी का, आप मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर लेंगे। पहला स्टेप, उसमें जाएंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, अलग अलग 10 कोर्सेज उसमें दिखेंगे, थ्योरी, वीडियो, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्यूशन, चैप्टर वाइज पीडीएफ, क्रैश कोर्सेज, संडे प्राइस टेस्ट, और आप अलग अलग अनलॉक ना करके अनलॉक फुल कोर्स नीचे लिखा होगा जो कि ऑफर के थ्रू 299 है, उसे तुरंत अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें क्लास ज्वाइन करना है पॉलिटेक्निक का, या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, बट ये स्पेशल ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आपको ज्वाइन करना है ऑफर के थ्रू तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ होगा, नॉलेजबल वीडियो आपको लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अपने तरफ से देंगे, और नए स्टूडेंट जितने हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी आपकी इसी चैनल पे होगी। किसी दिन आपको टाइम मिलता है तो सुबह 7 बजे क्लास में आके स्टडी कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर किस तरीके से पढ़ाई होती है। शाम को 7 बजे आ सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर हमें इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।